अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन लॉन्च हो रहे हैं। डॉक्टर रशल जो कि 2-3 सालों से बहुत 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 ज़्यादा इन हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर रशल ने और भी अपनी बहुत सारी वाइटनिंग सीरीज लॉन्च की हैं, अपनी विटामिन सी सीरीज लॉन्च की हैं, एक्ने से रिलेटेड और भी बहुत 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 सारे प्रोडक्ट्स वो दिन ब दिन अपनी लॉन्च कर रहा है। अगर आप कह लें कि अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके एकदम से जो है वो अपनी 4-5 टोन बेहतर कर लेंगे अपनी स्किन को, ये नहीं कह सकते। हाँ, आई विल से इट विल ब्राइटन अप योर स्किन और डलनेस को रिमूव कर देता है ये, इस हद तक ये काम करेगा। 1-2 टोन ये आपको बेहतर कर देगा अगर आप इसकी फुल सीरीज को फॉलो करते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम लगाया और एकदम से इसने आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिए। इट विल टेक टाइम, यूज करने के साथ साथ ये आपको रिजल्ट जरूर देगा। ये नहीं कि नहीं देगा, देगा, बट इट विल टेक टाइम। सो प्लीज मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, देन कीप ऑन वॉचिंग। सो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपसे बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी इसके 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक फेस क्रीम है, फेस सीरम है, एक फेस क्लिंजर है और आई सीरम है। ये 4 ऐसी मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर इंसान के लिए, लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रीम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्लिंजर सबसे बेहतरीन चीज़ वही होती है आपकी स्किन से, वो डर्ट वगैरह को रिमूव करने का काम करता है। आई सीरम हमें बहुत ज़्यादा हमारी फूड प्रॉपर ना होने की वजह से या और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें डार्क सर्कल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। मोबाइल सबसे बड़ा मेन कॉज है हमारे मतलब डार्क सर्कल्स का, उसके लिए आई सीरम जो है वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे फेशियल क्लिंजर के बारे में। ये आपको एक ट्यूब फॉर्म में मिलता है, ट्रैवल फ्रेंडली है ये आपके लिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर विटामिन सी के जो प्रोडक्ट हैं वो आप 20 की एज के बाद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज ये आपकी स्किन में मतलब एक कोलेजन की प्रोडक्शन को एक सही तरीके से सही अमाउंट में रखता है और आपकी स्किन में जल्दी रिंकल और फाइन लाइंस या डार्कनेस जो है वो नहीं आती। प्लास्टिक ट्यूब है ये, ब्राइटन अप करता है ये आपकी स्किन को। इसकी सेंट मतलब इतनी कोई खूबसूरत है कि अगर आप इसको अपने वॉशरूम में रखेंगे ना तो बस आपका पूरा वॉशरूम जो है वो महक जाएगा ना। ड्राई स्किन के लिए बहुत 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 ये मतलब अच्छा क्लिंजर है। ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्लिंजर का मतलब यही होता है कि वो आपकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट है उसको रिमूव कर देता है। फेशियल क्लिंजर का बेसिकली काम ही यही होता है और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। उस बस उसने आपके फेस पे जितना भी डर्ट पोल्यूशन जितना हमें अपने एनवायरनमेंट से हमने इकट्ठा किया हुआ है वो एकदम से बस उसको साफ कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। बेसिकली फेशियल कोई भी आप क्लिंजर ले लें उसका यही काम है। बट अगर आप कोई पूरा एक पैकेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि वो एक ही ब्रांड का पैकेज हो, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फिर मैचिंग मतलब इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं और बैलेंस करके होते हैं। अगर आप ये यूज करने के बाद ये करेंगे तो वो आपको मिक्स मैच जो है वो आपके पीएच को बैलेंस रखता है। और अगर आप एक ही फिर कंपनी के या एक ब्रांड के फिर यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको फिर डबल ट्रिपल एक्स होके मिलता है, बजाय इसके कि आप क्लिंजर को और यूज करें, क्रीम को और यूज करें, अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद जी मैं बात करूंगी फेस सीरम के बारे में। फेस सीरम बेसिकली सीरम जो है ये एंटी एजिंग के लिए हैं। ये इस बात का क्लेम करते हैं कि ये एंटी एजिंग सीरम है, ये आपके डार्कनेस को रिमूव करेगा, आपकी डलनेस को रिमूव करेगा, पोर्स मिनिमाइज कर देगा। बट मैंने एक वक्त में ये सीरम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, पोर्स का इशू ये इस हद तक सॉल्व नहीं करता, बट हाँ डार्कनेस जो है ये उसको रिमूव करता है। आपके डार्क स्पॉट्स के लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल है। ड्रॉप्स बेसिकली आपने इसके बहुत ज्यादा नहीं लेने होते, आपने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके लेने होते हैं और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना होता है, दैट्स इज। इससे ज्यादा आपने बिल्कुल भी सीरम को अप्लाई नहीं करना होता। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है कि हमने सीरम कब कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो पहले वीडियो देखे, देन वो अपने कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने स्टार्ट करें। चीज़ों को ले लेना ही नहीं, चीज़ों को इस्तेमाल कर लेना भी बहुत बड़ा एक ट्रिक होता है। अगर हम उन ट्रिक्स पे उन टिप्स पे अमल नहीं करते तो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके बाद मैं बात करूंगी आई सीरम के बारे में। बहुत 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 बेस्ट है, बेहतरीन है। इसको बेसिकली मैंने यूज नहीं किया, मेरी सिस ने इसको यूज किया है तकरीबन 1 साल पहले। उसने इस सीरम को काफी अरसा इस्तेमाल किया है और ये वर्थ बाइंग है,
बिकॉज ये उसके लिए तो बहुत इफेक्टिव रहा है. उसकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और उसके लिए वो इतना इफेक्टिव रहा है. आपकी आईज के नीचे पफिनेस होती है, जो डलनेस होती है, ये उसको रिमूव करता है. आपके डार्क सर्कल्स, उसके आप डार्क सर्कल्स इस हद तक अंदाजा लगा लें कि आई के नीचे ही नहीं, उसके साइडेड पे भी उसके डार्क सर्कल्स इतने बढ़ गए थे कि साइड को भी बेचारे कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे. सो उस प्रॉब्लम को इसने हल किया है. बट एक बॉटल से काम नहीं चलेगा, उससे आपको 50% रिजल्ट मिल जाएगा. आपको 2 से 3 बॉटल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने के बाद ही आपको प्रॉपर कंप्लीटली जो है वो इसका रिजल्ट मिल जाता है. बट डेफिनेटली मिलता ज़रूर है, अफोर्डेबल है, बहुत भी महंगे नहीं है. बट ये दोनों जितने भी फेस सीरम है, इसके आई सीरम है, ये ग्लास पैकेजिंग में है, सो दे आर नॉट ट्रैवल फ्रेंडली. आप इसको कहीं लेके नहीं जा सकते. अगर लेके जाना है तो बहुत संभाल के लेके जाना होगा. ये नहीं जैसे हम लड़कियां अपना बैग यूं उठा के फेंकती है ना, तो वो वाला काम अगर करेंगे तो फिर वो बेचारे अंदर ही टूट छूट जाएंगे. सो ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है. ट्रैवल फ्रेंडली बनाने के लिए आपको इसको बहुत ही सेफली लेके जाना पड़ेगा. बट अगर आप क्वांटिटी की बात करें, आप इसके रिजल्ट की बात करें, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, बट इट विल टेक टाइम. उसके बाद हम बात करेंगे. अच्छा, आपने एक बात को हमेशा रिमाइंड रखना है कि जब भी आपने आई सीरम अप्लाई करना है, आपने अपने रिंग फिंगर जो होती है, ये रिंग फिंगर होती है जो हमारी ये वाली फिंगर होती है, ये वाली, आपने अपनी रिंग फिंगर का यूज करते हुए ही अपने आई सीरम को अप्लाई करना है. बिकॉज हमारी बाकी सारी फिंगर्स का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है. या आप अपनी रिंग फिंगर इस्तेमाल करें या आप अपनी जो है वो स्मॉल फिंगर का इस्तेमाल करें. आपने इस फिंगर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये हमारी फर्स्ट वन जो है, बिकॉज इसमें टू मच इसका प्रेशर होता है और टू मच इसकी मतलब इसमें हीट होती है. तो ये उस एरिया के लिए, वो एरिया बहुत 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 सेंसिटिव होता है अंडर आइज पे. आपने इसको यूज नहीं करना, बल्कि इसको या इसको इस्तेमाल करना है. रिंग फिंगर से आप उसका मसाज करें और सो जाया करें. उसके बाद हम फेस क्रीम के बारे में बात करेंगे. फुल सेट यूज करेंगे तो ही इसका रिजल्ट आएगा. मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नॉर्मली रिजल्ट अगर आप वैसे भी स्क्रीन पर यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट बस इतना होगा कि ये एक बेस्ट बेस्ट मॉइस्चराइजर है. अच्छा, इसका रिजल्ट उन्होंने ये भी क्लेम है कि 1 मंथ के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. ये बहुत सारा क्लेम करते हैं फेस क्रीम के बारे में, बट जब बेसिकली मैंने इसको यूज किया था तो मुझे ये एक अच्छे मॉइस्चराइजर से ज्यादा इसका कोई काम नहीं लगा. ये क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं, बट जो क्लेम ये करते हैं ना, उस हिसाब से इनका एक क्लेम परफेक्ट है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छा करता है, रिच है हाइड्रेशन में, रिंकल डलनेस को भी ये रिमूव कर देता है. बट कलर को ये तभी फेयर करेगा जब आप इसकी पूरी सीरीज को यूज करेंगे, लाइक इसका क्लेंजर भी, इसका फेस सीरम भी, आई सीरम भी, और प्लस इसकी फेस क्रीम, नाइट क्रीम जो है, उसके बाद ही ये आपको प्रॉपर 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 रिजल्ट देगी. हाइड्रेशन के लिए ये बहुत 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 बेस्ट है. अगर आपने अपने फेस पे ग्लो लाना है तो बहुत बेस्ट है. अच्छा, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद अपने फेस पे कोई मेकअप अप्लाई करते हैं ना, तो फाउंडेशन इतना का कोई कमाल का ब्लेंड होता है ना आपके फेस पे, इतनी जल्दी फाउंडेशन ब्लेंड होती है कि ऐसे लगता है बस जी भाई मक्खन मलाई की तरह आपकी जो बेस है वो ब्लेंड हो रही है, आपका फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो रहा है. इसके बाद मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आपने कोई इल्यूमिनेटर वगैरह कुछ ऐड करें, या आपकी स्किन को इतना ग्लो कर देता है कि आप जस्ट कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करें और आपकी स्किन में टू मच ग्लो जो है वो आ जाता है. बहुत बेहतरीन ये सीरीज है विटामिन सी की. बेसिकली ये आपकी स्किन में, अच्छा आपने विटामिन सी को कभी भी डे में इस्तेमाल नहीं करना. ये चीजें बहुत 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 गलत करते हैं हम लोग कि विटामिन सी अप्लाई करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स और धूप में निकल जाते हैं. सो ये काम बिल्कुल नहीं करना. आपने हमेशा विटामिन सी के प्रोडक्ट्स अपने नाइट में ही इस्तेमाल करने हैं. सन की जब रेज खत्म हो चुकी हैं, उसकी हर चीज खत्म हो गई है, रात को सोते वक्त आपने अपना फेस इसी क्लीनर से वॉश करना है. आपने अच्छे से सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद आपने आई सीरम अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, यानी कि उसकी जो डे क्रीम है वो अप्लाई करके इस सीरम को लॉक कर देना है. जब भी आप सीरम को लॉक करते हैं, सीरम का रिजल्ट डबल एक्स हो जाता है, आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है. बिकॉज सीरम में जो है वो हाइली इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जो आपकी स्किन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं. सीरम को कभी भी आपने ड्राई फेस पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना. आपका फेस वेट होगा उसके बाद ही आपने अपने सीरम को इस्तेमाल करना है. मैंने बहुत बार ये तरीका बताया है. अगर आप ड्राई फेसेस पे अपने सीरम्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी उतना रिजल्ट नहीं देती. देती है नो डाउट, बट उतना रिजल्ट नहीं देती. सो आपको ज्यादा रिजल्ट के लिए मेक श्योर आपने अपने फेस को वेट रखना है, फिर ही आपकी स्किन जो है वो शाइन भी रहेगी, ब्राइट भी रहेगी. रोज वाटर का स्प्रे करते रहा करें, दिन हो या रात हो, पानी बहुत सारा पिया करें, अपनी नींद पूरी किया करें. रमजान आने वाला है डेफिनेटली, कल नहीं तो परसों जो है वो रमजान होगा.
जब तक शायद मेरी ये वीडियो अपलोड हो, मे बी रमज़ान हो, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं चल पा रहा कि रमज़ान है या नहीं है. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में. बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. बात करेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़.